नमस्कार, इवनिंग रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। सत्ता में आने के बाद खट्टर सरकार की ओर से कई बार सरकारी अधिकारियों का तबादला किया जा चुका है। नए साल पर भी खट्टर सरकार 30,000 कर्मचारियों का तबादला करने जा रही है। हरियाणा की राजनीति में तबादलों की रीत कोई नई नहीं है और भ्रष्टाचार के खुलासे करने पर अक्सर अधिकारियों पर तबादले की गाज गिरती रही है। देखिए रिपोर्ट। राजनीति और सरकारी अधिकारियों के तबादले का तो मानो चोली दामन का साथ है। जब भी कोई नई सरकार सत्ता में आती है या वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो भारत का इतिहास गवाह है कि गाज हमेशा से सरकारी अधिकारियों पर ही गिरती है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यपालों के तबादले पर हुए घमासान की बात हो या IAS दुर्गा शक्ति के मामले पर यूपी की राजनीति में मचे भूचाल का मामला हो, तबादले की कथा हमेशा से सुर्खियों में आ ही जाती है। हरियाणा की राजनीति में भी तबादलों का तराना हमेशा से इसी तरह गूंजा है। खट्टर सरकार सरकारी अधिकारियों का वेलकम तबादलों के रूप में करने वाली है। सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर 30,000 कर्मचारियों के ट्रांसफर की लिस्ट तैयार की है। हरियाणा सरकार में तबादलों की रीत कोई नई नहीं है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह दिखाने में तबादलों का अहम रोल रहा है। साल 2012 में वाड्रा DLF लैंड डील मामले में भ्रष्टाचार का खुलासा करने के बाद पूर्व हुड्डा सरकार ने अशोक खेमका को तबादले के तख्ते पर चढ़ा दिया था। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए जाने जाने वाले अशोक खेमका का 20 साल के कार्यकाल में 49 बार तबादला हो चुका है। तो पूर्व सरकार पर गलत तरीकों से नियुक्ति करने के खुलासे के बाद प्रशासनिक सचिव प्रदीप कासनी को धमकी भरे SMS का सामना करना पड़ा था। इस मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिव प्रदीप कासनी को धमकी भरा मैसेज भेजा था। हालांकि मामला गरमाने के बाद पूर्व मुख्य सचिव की ओर से माफी भी मांग ली गई थी, लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति की ओर से प्रभावित किए जा रहे प्रशासनिक ढांचे की भी पोल खोल कर रख दी थी। सरकार की ओर से सुशासन और व्यवस्था परिवर्तन का नारा तो दे दिया जाता है, तो फिर क्यों तबादले की भेंट चढ़ते हैं सरकारी अधिकारी? कैसे एक अच्छी शासन प्रणाली का निर्माण होगा? क्या प्रशासनिक ढांचे पर हावी होती जा रही है राजनीति? क्या सस्ती राजनीति की भेंट चढ़ रहा है लोकतंत्र में प्रशासनिक ढांचा? क्या सुशासन का सपना सपना ही रह जाएगा? हरियाणा न्यूज के लिए मनीषा यादव की रिपोर्ट। तो सुशासन का यहाँ पर सपना दिखाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से देखने को यही मिलता है कि सरकारी कामकाज में जब भी दखलअंदाजी प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, उनके तबादले कर दिए जाते हैं। तो जिस तरीके से सरकार जो नारा देती है व्यवस्था परिवर्तन लाने का, किस तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है और जो सपना दिखाया जा रहा है किस तरीके से वो हकीकत में तब्दील हो सकता है, यही हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ ID स्वामी जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ID स्वामी जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। ID स्वामी जी, यहाँ पर हम बात करें प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों को लेकर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सरकार यहाँ पर सुशासन और जिस तरीके से परिवर्तन की व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, लेकिन देखने को यह भी मिलता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी उनके तबादले कर दिए जाते हैं। तो आखिर किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन लाया जाएगा और जो सपना दिखाया जा रहा है वो पूरा हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो एक विषय है सिर्फ, सरकारी अधिकारियों के परिवर्तन होते हैं, तबादले होते हैं, जैसे भी होते हैं, लेकिन अगर सरकार बदल जाए तो जरा लार्जर स्केल पर हो जाते हैं तबादले। तबादले तो हर साल होते हैं, 50-60-70 तबादले बड़े अफसरों के होते रहते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स के होते हैं, SPs के होते हैं और सीनियर अधिकारियों के होते हैं, सेक्रेटरीज के होते हैं, लेकिन जब सरकार बदलती है कुछ थोड़े ज्यादा होते हैं। इसलिए क्या वजह मानी जाए ID स्वामी जी, जब सरकार बदलती है तो कहीं ना कहीं भारी तादाद में जो कर्मचारी है, जो प्रशासनिक अधिकारी, उनके तबादले कर दिए जाते हैं, क्या कुछ वजह मानी जाए? नहीं, कोई उसकी वजह कोई नहीं होती, लेकिन ना इसमें कोई वजह ढूंढनी चाहिए, क्योंकि तबादले तो वैसे ही हर साल होते हैं, लेकिन 3 साल बाद 2 साल बाद होते रहते हैं। लेकिन अमूमन ID स्वामी जी, देखने को यही मिलता है जब कोई अधिकारी होता है वो अच्छा काम भी करता है, लेकिन अधिकतर देखने को यही मिलता है कि जब भी सरकारी कामकाज में वो दखल अंदाजी करने की कोशिश करते हैं उनके तबादले कर दिए जाते हैं। नहीं, वो गलत है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी को इस वजह से बदला जाए, जैसे पहले खेमका जी के साथ हुआ, चतुर्वेदी के साथ, फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ हुआ पहली सरकार में, वो विंडिक्टिवनेस है, वो तो
बदले की भावना से है, वो तो सजा देने के लिए, तंग करने के लिए, हैरेस करने के लिए ऑफिसर्स को किया जाता है, वो गलत है, उसको कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। जी चलिए, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। मैं स्वामी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछिए। जी पूछिए पूछिए। स्वामी जी नमस्कार, कृष्णमूर्ति हुड्डा बोल रहा हूँ मैं। जी कृष्णमूर्ति, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि उस समय आप गृह राज्य मंत्री थे और अशोक खेमका के कम से कम नहीं तो 12-15 ट्रांसफर हुए चौटाला साहब के राज में, आप चौटाला साहब के सहयोगी थे और यहाँ तक कि उनकी गाड़ी तक छीली थी, उस समय आपने ये बातें क्यों नहीं की उठाई? जब मेरे से किसी ने पूछा मैंने उठाया, लेकिन मैं एज होप ये पूछने की बात होती है, अखबारों में आ रहा है, आप अखबार रोज पढ़ते हैं, नहीं नहीं साइकिल पे गया आप गृह राज्य मंत्री थे, आपने बिल्कुल उस समय आवाज उठाई, अब आपको ये बात क्या याद आ रही है? मेरी बात सुनिए, याद नहीं, मुझे पता था, अखबारों में पता था ये हो रहा है, लेकिन मैं स्टेट होम मिनिस्टर के तौर पर उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। मैं कोई स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट में कोई सीनियर ऑफिसर नहीं था, मैं कोई मंत्री नहीं था, मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं था, मेरा मतलब नहीं बनता था। आज भी मेरा इस मतलब आप हरियाणा के करनाल के हरियाणा न्यूज में मेरे से पूछा इसके बारे में तो मैंने अपनी राय दे दी उसमें उठाने का। चले कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से नई सरकार प्रदेश में आई और नए परिवर्तन के साथ यहाँ पर नए सिरे से कामकाज शुरू किया गया, व्यवस्था परिवर्तन के यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं नई सरकार की तरफ से, लेकिन वही दूसरी तस्वीर अगर देखी जाए तो यहाँ पर भारी तादाद में जो प्रशासनिक अधिकारी उनके तबादले की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, उनके तबादले का यहाँ पर मन बनाया जा रहा है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सारे अनुभवहीन नौसिखिया लोगों का जमावड़ा है और इनको कुछ नहीं पता किसकी कब क्या बदली करनी है। अशोक खेमका की स्वामी जी भी तारीफ कर रहे हैं, अब देख लेना 6 महीने अगर ये उस कुर्सी पे बैठ जाए तो मुझे आप पकड़ लेना, मैं आपका गुनाहगार हूँगा। और जिस प्रकार से अशोक खेमका चल रहा है वो 6 महीने नहीं पकड़ेगा, और जिस प्रकार से ये मिस्टर काशनी ये इनका तबादला हुआ है, आप अंदाजा लगा लो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एम्बेरसमेंट हो रही थी जी। जब इसने हमारे खिलाफ आवाज उठाई थी सबने इसकी वाहवाही की थी, आज जब ये सरकार के खिलाफ इसी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा तो ये इसका तबादला कर रहे हैं, तो ये टोटल इनमेच्योर लोग इकट्ठे हो गए हैं और इन्होंने भट्ठा बिठा दिया है। हरियाणा के किसान बेचारे, आज उनकी महिलाएं सुबह 5 बजे खाद के लिए पुलिस स्टेशनों पे सुबह लाइन में लगती है, शाम को 5 बजे उनको कट्टा मिलता है एक जी। और जिस प्रकार से किसानों का धान पिटा है, जिस प्रकार से किसानों की कपास पिटी है, जिस प्रकार से किसानों का भट्ठा बिठा दिया सरकार ने, तो मैं समझता हूँ ये सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, ये अनुभवहीन लोग सारे इकट्ठे हो गए हैं और उसकी वजह से आज हरियाणा की जनता को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसपी गुप्ता जी हमारे साथ रिटायर्ड एस फोर लाइन पर जुड़े हुए हैं जी, स्वागत है गुप्ता जी आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार गुप्ता जी, किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर नई सरकार प्रदेश में, लेकिन नए सिरे से कामकाज करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तस्वीर अगर देखी जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले भी किए जा रहे हैं? नहीं देखिए, आप ठीक कह रहे हैं भाई, कुछ तबादले हुए हैं, ये बड़ा जो अभी आप प्रदीप काशनी के बारे में जो तबादला हुआ है जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मेरा मानना ये है अधिकारियों के तबादले जो हैं वो ऐसे नहीं करने चाहिए, और लगाने से पहले सोच समझकर अच्छी प्रकार उसके बारे में जानकारी लेकर फिर लगाए जी, तो ये कहीं ना कहीं अनुभीनता लगती है ना जी, अनुभव की कमी जो है लगती है वो जी। और इससे जो मेरा सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है, इससे सिग्नल जो है ना वो गलत जाता है आम पब्लिक में जी। और देखिए, मुझे जहां तक मुझे इसका कारण तो नहीं पता, इसकी रूपांतरण का कारण क्या है, लेकिन इसके बारे में दूसरी जो जिसका दूर से लेना देना नहीं है जिस बात का, जैसे इन्होंने वो लैंड के बारे में कुछ एक्शन लिए थे कुछ सरकारियों के विरुद्ध जी, तो वो कारण
बिल्कुल वाटर लैंड का मामला हो या हो, वो कारण बिल्कुल नहीं है इसमें। इसमें कोई दूसरा कारण हो सकता है, लेकिन इस ट्रांसफर से लोग इसको हर तरह की बात करेंगे, तो इसलिए इसका सिग्नल जो है वो गलत गया है जी। लेकिन गुप्ता जी, अमूमन देखने को यही मिलता है जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी हो सरकारी कामकाज में अगर दखल अंदाजी करते हैं तो उनका तबादला कर दिया जाता है, ये कहां तक जायज आप इसे मानते हैं? नहीं देखिए, ऐसा है, वैसे तो तबादला एक आम प्रक्रिया है, बट ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए सरकार को। और मैं आज वो काश्मीर की स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था, उन्होंने भी कहा भी अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे चार्जशीट करो, मुझे ऐसा स्थानांतरण क्यों किया गया। बात तो ठीक है, स्थानांतरण ऐसे नहीं होना चाहिए। और जहां तक, क्योंकि लेकिन कई बार क्या होती है, सरकार ये मैसेज देना चाहती है भाई देखो हमने जो सख्त एक्शन ले इसमें क्या है, दो ही तरह के सख्त एक्शन पब्लिक को नजर आते हैं और सरकार को भी उसी में ही शक्ति दिखाई देती है, या तो उसका आदमी का स्थानांतरण कर दिया जाए या उसको सस्पेंड किया जाए जी। तो ये दो तरह की कार्रवाई लगती है, बाकी एक्सप्लेनेशन मांगो या दूसरे करो उस पे कुछ लगता नहीं है आज के समय में जी। कोई कार्रवाई हुई है जी। चलिए, बीजेपी से आईडी स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आईडी स्वामी जी, आपसे ये सवाल करूंगी, जिस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन की बात की जाती है और एक अच्छी शासन प्रणाली का निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस तरीके से अगर अधिकारियों का तबादला कर दिया जाए जो अच्छा काम करते हैं, तो किस तरीके से एक अच्छी शासन प्रणाली का जो वादा किया जाता है वो किया जाएगा? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन करने की बात की जा रही है, हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ रजिस्ट्रियां जो होती हैं, लैंड की जो ट्रांसफर होती हैं, उसकी जो रजिस्ट्रियां होती है उस पर इतना घपला होता है, इतनी करप्शन होती है और इतने लोग हैरेस होते हैं, उसको स्मूथ कर दिया, उसको ऑनलाइन रजिस्ट्री मिल जाएगी। 7 दिन बाद उनको टाइम दिया जाएगा, 7 दिन या 10 दिन के बाद जिस जिसका जो टाइम आएगा उस पर उनके घर पहुंचेगी। अगर वो वहां उस रोज 11 बजे लेने नहीं आएगा, उसके घर पहुंचाई जाएगी उसकी रजिस्ट्री, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, उसके लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, सारा दिन नहीं वहां वेस्ट करना पड़ेगा और उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। रजिस्ट्रियों में आमतौर पर शिकायत होती थी, वो बिल्कुल खत्म कर दी। अभी शुरू हुआ 25 तारीख से, जब गुड गवर्नेंस डे मनाया अटल जी के बर्थडे पर, उस रोज से शुरू कर दिया है। हमारे करनाल में भी हुआ है, सब जगह 8-10 तहसीलों में शुरू किया है, सब सारे स्टेट में हो जाएगा। इसी तरह से ये जो परिवर्तन की बात है, तबादलों की बात है, तबादले तो एक यूजुअल चीज है, हमेशा ही होते हैं, साल के बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद होते रहते हैं, लेकिन अगर ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब सरकार बदली है तो इसमें भी कोई ना कोई प्रिंसिपल लाकर, ताकि पारदर्शिता है और किसी को यह महसूस ना हो कि ये वैसे ही किए जा रहे हैं, उसके कोई कारण हो, कोई प्रिंसिपल बन जाए, वो ऐसी चीज बनने की जाएगी, उसके बारे में भी सोचा जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। चलिए आईडी स्वामी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एसपी गुप्ता जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ इवनिंग रिपोर्ट में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे।
देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। खबरों की आपाधापी में झूठ न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर, हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। लार्जेस्ट कैंपस, मोर देन 1800 स्टूडेंट्स, वेल इक्विप्ड वर्कशॉप्स एंड लैब्स, एडवांस कोर्सेज, मोर देन 30 PhD होल्डर एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन आवर वेबसाइट, कॉन्टैक्ट अस फॉर एडमिशन। अर्नी यूनिवर्सिटी, ब्रिंगिंग एम्बिशन इन लाइफ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले को लेकर। जी हां, अमूमन देखने को यही मिलता है कि जब भी सरकार के कामकाज में दखल अंदाजी ये अधिकारी देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका तबादला कर दिया जाता है। क्या कुछ इसके मायने निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर ताज़ा मामला आपको बता दें, खट्टर सरकार सरकारी कर्मचारियों का वेलकम तबादलों के रूप में करने वाली है। सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर 30,000 कर्मचारियों के ट्रांसफर की लिस्ट तैयार की है, तो इसका क्या कुछ मतलब समझा जाए। और तमाम सवाल ये भी है कि सरकार की ओर से सुशासन और व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया जाता है तो फिर तबादलों की भेंट चढ़ते हैं कि उस सरकारी अधिकारी, और कैसे एक अच्छी शासन प्रणाली का निर्माण होगा, क्या प्रशासनिक ढांचे पर हावी होती जा रही है राजनीति, और क्या सस्ती राजनीति के भेंट चढ़ रहा है लोकतंत्र में प्रशासनिक ढांचा, और क्या सुशासन का सपना एक सपना ही बनकर रह जाएगा। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब हम यहाँ पर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप सुन पा रहे हैं? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है आवाज। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, सवाल यही है कि जिस तरीके से नई सरकार प्रदेश में आई, नई सिरे से काम शुरू किया गया, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, और ये किसी से छिपा नहीं है, किसान यहाँ पर परेशान है क्योंकि खाद उन्हें नहीं मिल रहे हैं, और वहीं पर यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उनके तबादले किए जा रहे हैं, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, ना किसानों को बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, और किसानों को ना खाद मिल रही है, उनके इनकी जो प्रोडक्ट है उनके भाव उनको सही नहीं मिल रहे हैं। हर आदमी हाहाकार मच गए 2 महीने के अंदर। लोगों के टोटल 9 सीखियों की सरकार है, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, चीफ मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, दोनों का आपस में समन्वय भी नहीं है। तो ऐसे हालात कर दिए हरियाणा का। हरियाणा का जो भूपिंदर सिंह हुड्डा ने हरियाणा को नंबर 1 बनाया था, ये आखिर में ले जाएंगे, 16वें नंबर पे ले जाएंगे। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर काम किए गए थे, ये एकदम से सारा उससे उलट करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये सरकार ना तो कर्मचारियों को तंग कर रही है, तबादले कर रही है। पहले तो उन कर्मचारियों को सिर पर चढ़ा दिया, प्रदीप कासनी को पहले तो बहुत ईमानदार बता दिया उसको, अब उसका अपमानित करके उसका तबादला किया है। ये नहीं बताया जा रहा कि किस बात पे तबादला किया है। मैं तो समझता हूँ ये सरकार टोटल हर मामले में विफल है, और आम आदमी सरकार से दुखी हो चुका है 2 महीने। चलिए आईडी स्वामी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। आईडी स्वामी जी, आप सुन रहे थे कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आईडी स्वामी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन हमारे साथ एसपी गुप्ता जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एसपी गुप्ता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। एसपी गुप्ता जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे जिस तरीके से यहाँ पर कृष्णमूर्ति हुड्डा जी का कहना है कि यहाँ पर जो आम जनता है अभी से ही नई सरकार से परेशान हो चुकी है, जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं, वादे कुछ और किए गए थे, काम कुछ और हो रहा है, क्या कुछ आपका कहना है? नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वास्तव में लोगों को इस सरकार से बहुत आशाएं हैं। एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा थी क्योंकि इतने सालों के बाद एक इतना बड़ा बदलाव आया है राज्य में जी, तो उन आशाओं के विपरीत वो चाहते हैं हमारे सभी
जो है काम तुरंत हो जाए, और ये किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है जी। इस सरकार में तो सभी जो है नए चेहरे हैं और इतना इनका अनुभव भी नहीं है जी। तो इसलिए आप इस प्रकार का मेरा मीडिया से भी अनुरोध रहेगा भी ज्यादा समय अभी कुछ नहीं गुजरा और इस प्रकार की आशाएं करना ये न्याय संगत नहीं है जी। चलिए एसपी गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो आज हमने इवनिंग रिपोर्ट में बात की जहां पर सरकारी अधिकारी जो है उनके तबादले किए जा रहे हैं, यहाँ पर सरकार ने भी मन बना लिया है, 30,000 सरकारी कर्मचारियों का जो तबादला है वो करने का मन बना लिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक तरफ अगर एक तस्वीर देखें तो वहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन करने के सपने दिखाए जाते हैं, वहीं दूसरी तस्वीर जहाँ पर 30,000 कर्मचारियों का जो सरकारी कर्मचारी है उनके तबादले किए जा रहे हैं। तो इसी में हमने आज बात की इवनिंग रिपोर्ट में कि किस तरीके से ये देखा जा सकता है और किस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन जो है वो किया जा सकता है। चलिए इसी के साथ इवनिंग रिपोर्ट में बस इतना ही, नमस्कार।